दोस्तों, दिवाली और भगवान राम से हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। इस त्योहार पर पूरी दुनिया जगमगाती है। हम सब ये तो जानते ही हैं कि लोग धूमधाम से भगवान राम के वनवास से वापस लौटने की खुशी में इस त्योहार को मनाते हैं। दिए जलाना, पूजा और आरती करना, मिठाई खाना और जमकर पटाखे जलाना जैसी चीजें इस त्योहार पर की जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो दिवाली की रात को की जाती है और वो है जुआ खेलना। दिवाली के त्योहार पर जुआ खेलने का रिवाज सा बन चुका है। लोग इस दिन जुआ खेलने को काफी शुभ मानते हैं और साल भर बड़ी बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दिवाली के त्योहार पर जुआ क्यों खेला जाता है? अगर हाँ, तो आज हम इसी के पीछे का कारण जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ अंत तक। हिंदू धर्म में दिवाली खुशी और रोशनी का त्योहार माना जाता है। देश से लेकर विदेशों तक दिवाली का पावन त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से साल भर लक्ष्मी की कृपा बरसती है। लेकिन दिवाली पर कुछ पुरानी परंपराएं ऐसी हैं जो कई सालों से चली आ रही हैं, जिन्हें लोग आज भी निभा रहे हैं। ऐसी एक परंपरा है दिवाली के दिन खेले जाने वाला खेल जुआ। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली की रात ही क्यों खेला जाता है, कैसे खेलना शुभ होता है और इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, दिवाली की रात ताश खेलना आम बात है। कुछ लोग इस खेल को शौकीय तौर पर खेलते हैं तो कुछ आदतन जुआरी होते हैं। जुआरियों को दिवाली का खास इंतजार रहता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दिवाली की रात ताश क्यों खेला जाता है और ताश खेलने की परंपरा कब से शुरू हुई? हिंदू पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात भगवान शिव और माता पार्वती ने पूरी रात चौसर खेला था। चौसर एक बहुत ही पुराना गेम है जिसे महाभारत में भी खेला गया था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव जी ने सारी रात चौसर खेला था और शिव जी इस खेल में हार गए थे और माता पार्वती इस खेल को खेलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और तभी से ये प्रथा दिवाली के साथ जुड़ गई है। लेकिन दोस्तों, शिव और पार्वती जी के द्वारा जुआ खेलने का ठोस तत्व किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। ये पौराणिक कथाओं और दंत कथाओं में ही सुनने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की रात शगुन की रात मानी जाती है। दिवाली की रात हार या जीत एक तरह से साल भर का संकेत होता है। माना जाता है कि दिवाली की रात जो भी जुए में जीत जाता है उसका भाग्य साल भर चमका रहता है। व्यक्ति अपने साल भर के आर्थिक भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सकता है। वहीं हार जाने पर धन हानि की आशंका बनी रहती है। कुछ लोग इसको गलत मानते हैं और कहते हैं कि जुआ खेलने से घर की सुख शांति के अलावा लक्ष्मी जी भी चली जाती हैं। हम अपनी पुरानी परंपराओं की बुराई तो नहीं कर रहे, लेकिन जुआ खेलना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। इसका खामियाजा कितना बुरा हो सकता है हम महाभारत में भी देख चुके हैं। हम सभी को महाभारत में युधिष्ठिर ने जुआ खेलकर यही ज्ञान दिया है कि ये बुराई की जड़ है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। ये एक विनाशकारी नशा है। हम सभी तो जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध ही जुए की वजह से हुआ था। दुर्योधन और शकुनी ने साथ मिलकर छल कपट से पांडवों को जुए में हरा दिया और पूरा इंद्रप्रस्थ समेत अपने भाइयों को युधिष्ठिर ने दाव पे लगा दिया था, जिसमें भी वो हार गए। इसके बाद अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दाव पर लगाकर वो हार गए, जिसके बाद पांडवों को 13 साल के लिए वनवास पर जाना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर युधिष्ठिर में जुआ खेलने की आदत न होती तो उन्हें भगवान का दर्जा मिल जाता, क्योंकि उनमें बाकी सारे गुण मौजूद थे। लेकिन जुए की लत के कारण उनके सारे गुण दब गए। दोस्तों, आपको महाभारत के अलावा एक और भी किस्सा सुनाते हैं कि जुआ असल में कितना खतरनाक है। इंसान के लिए ही नहीं बल्कि कई बार भगवान को भी जुए की वजह से भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी जुआ खेला था और वो उसमें हार गए थे। और कथा के अनुसार कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र का विवाह रुक्मिणी के भाई रुक्मी की बेटी से हुआ था। रुक्मी कृष्ण से बैर रखता था क्योंकि रुक्मिणी हरण के समय श्री कृष्ण ने युद्ध में हराया था। इसका बदला लेने के लिए रुक्मी ने बलराम को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। जुआ खेलते समय रुक्मी ने छल से बलराम को हरा दिया था और फिर भरी सभा में उसका अपमान करने लगा। इस बात पर बलराम को गुस्सा आया और रुक्मी का वध कर दिया। रुक्मी के वध से विवाह मंडप में हाहाकार मच गया, वैवाहिक कार्यक्रम में अमंगल हो गया। इससे पता चलता है कि जुआ हमेशा मातम ही लेकर आता है। पौराणिक काल के बाद आधुनिक भारत में भी जुआ घरों का उल्लेख मिलता है। मदिरालय वैश्यालयों में अक्सर जुआ खेला और खिलाया जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय कई स्थानों पर जुआघर होने और जुआ खेलने के उल्लेख मिलते हैं। मगध, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था, उसमें भी कई जुआघर थे और नंदवंश के राजा धनानंद खुद जुआ खेलने के शौकीन हुआ करते थे। इसके बाद सम्राट अशोक के शासनकाल में भी जुआ खेले जाने के कई प्रसंग मिलते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि समय के साथ जुए का स्वरूप भी खैर बदलता गया है, तो इसलिए चलिए उसे भी समझ लेते हैं। चौसर, सबसे पहले पत्थर या लकड़ी के गोट से चौसर खेला जाता था। इसका नाम चौसर इसके आकार की वजह से पड़ा था। ये 4 भाग वाला होता था और हर भाग में 16 खाने होते थे। इस तरह कुल 64 खाने
पूरे चौसर में होते थे। प्रारंभिक काल में इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए खेला जाता था। इसके लिए सफेद पत्थर के पासे बनाए जाते थे जिन पर 1 से 6 तक अंक लिखे होते थे। चौपड़ चौसर का ही अपभ्रंश चौपड़ था। इसे कपड़े पर 64 खाने बनाकर खेला जाने लगा। लकड़ी की गोटी और लकड़ी के ही पासे उपयोग में लाए जाने लगे। इसी में पहले गायों, अनाज और सोने की मुद्रा के दाव लगाने का चलन शुरू हुआ था। जुआ या दयुत कालांतर में चौपड़ का अस्तित्व लगभग लुप्त हो गया और 48 खानों वाला एक नया खेल शुरू हुआ जिसमें सीधे हर दाव पर संपत्ति लगाई जाने लगी। तब तक ये खेल घरों की बंद दीवारों से निकलकर बाजार तक आ चुका था। बाजारों में विधिवत रूप से राजा की आज्ञा प्राप्त कर जुआ घर चलते थे जहां जुआ घर का मालिक 2 लोगों को कमीशन पर जुआ खेलने के लिए धन और जगह उपलब्ध कराता था। इन्हें हम दुनिया के सबसे पहले कैसीनो कह सकते हैं। ताश के पत्तों से जुआ। आज के समय में ताश के पत्तों से जुआ खेला जाता है। कई प्रदेशों में दिवाली की रात घरों में जुआ खेला जाता है। इसे कई लोग शुभ और लक्ष्मी का आगमन का संकेत मानते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में सीधी घोषणा है कि जुआ एक व्यसन है। जहां व्यसन होते हैं वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दोस्तों एक सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि देश के लगभग 45% लोग दिवाली की रात जुआ खेलते हैं। इनमें 35% लोग ही शगुन के तौर पर जुआ खेलते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसे होते हैं जो पक्के जुआरी होते हैं और किसी भी मौके पर जुआ खेलने से परहेज नहीं करते। सर्वे से ये भी पता चला है कि ज्यादातर जुआरी सबसे पहले दिवाली की रात जुआ खेलने की शुरुआत करते हैं और बाद में उन्हें इसकी लत लग जाती है। ऐसा देखा जाता है कि लोगों ने दिवाली पर शौक या शगुन के रूप में जुआ खेलने की शुरुआत की और उसमें हारने पर हारी हुई रकम हासिल करने के लिए आगे भी जुआ खेला और उन्हें इसकी लत लग गई। इसी तरह अगर जुआ खेलने वाला दिवाली को जीतता है और जीतने की लालसा में अगले दिन भी खेलता है तो वो भी जुए की लत का शिकार हो जाता है। दोस्तों हम तो बस आपको यही कहेंगे कि कोशिश करें दिवाली में जुआ और ताश से बचने की और अपने परिवार वालों तक भी इस बात को पहुंचाएं और ये वीडियो उन्हें भी दिखाएं। पर फिर भी अगर आप जुआ खेलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल एक खेल है जो एक रात के लिए खेला जाता है, जो केवल एक शगुन के तौर पर खेला जाता है। लेकिन असल में होता ये है कि लोग सबसे पहले दिवाली की रात जुआ खेलते हैं और फिर धीरे धीरे उनको इसकी लत लग जाती है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि जमाना कोई सा भी हो, जुआ महज दुख और मातम ही लेकर आता है। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा हमारा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है, पर आपको क्या लगता है, क्या दिवाली की रात जुआ खेलने की प्रथा सही है या गलत है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें।